सब्सक्राइब कीजिए टेक्नोलॉजी टिप्स यूट्यूब चैनल को और दबाइए घंटे के बटन को ताकि आपको मिल सके हमारे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट। ये बिल्कुल फ्री है। जैसा कि दोस्तों आप लोग जान रहे हैं कि अभी ब्लॉगिंग का क्लास चल रहा है और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि blogpost.com में आप किस तरह से ऐड दिखा सकते हैं। अगर आपके पास कोई एडसेंस अकाउंट अगर पहले से अप्रूवल है ब्लॉग वेबसाइट के द्वारा, तो आप जितना चाहिए उतना भी, यानी किसी भी डोमेन से कोई मतलब नहीं है, उसको अप्रूवल से कोई भी मतलब नहीं है, उसमें आप ऐड दिखवा सकते हैं उसी एडसेंस अकाउंट से। तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग सीख लेते हैं और ज्यादा से ज्यादा हम लोग अर्निंग इस मेथड से कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट वीडियो के नीचे दिया गया लाल कलर का बटन है उसको दबा लीजिए, फटाफट दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप हमारे लेटेस्ट वीडियो से अपडेट रहिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप लोग देख रहे हैं, दुनिया का इतिहास .xyz डोमेन था हमारा, उससे मुझे अप्रूवल मिल चुका था। तो अभी मैंने यहाँ पे एक ब्लॉग को क्रिएट किया, कुछ नहीं मैं यहाँ पे लिखा हूँ, कुछ नहीं लिखा हूँ, ठीक है, कुछ नहीं इसमें लिखा हुआ है, तो कुछ नहीं है अर्थर पर्थर कुछ नहीं। इसमें हम आपको एड लगा के दिखाते हैं कि कैसे एड लगा सकते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं कोई भी कस्टमाइज बैनर कुछ नहीं है, ठीक है, फिर भी हम इसमें एड लगा के दिखाएंगे। तो वो करना क्या है कि जो भी एडसेंस अकाउंट आपके पास है अगर वेबसाइट के द्वारा अप्रूवल किया हुआ है तो ही आप इसका यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा एक एडसेंस अकाउंट है, यही दुनिया का इतिहास .xyz, यहाँ पे देख सकते हैं आप। और यहाँ पे देख रहे हैं कुछ नहीं लिखा हुआ आ रहा है, इसका ये मतलब है कि नॉन होस्टेड है। तो सिंपल सा, आपको जब एडसेंस अकाउंट ओपन कीजिएगा तो होम में रहेगा और आपको यहाँ पे सेटिंग के ऊपर क्लिक करना है। पहले पेमेंट भी सेटिंग के अंदर आता था लेकिन पेमेंट को भी बाहर कर दिया गया है, ठीक है। और उसके बाद आप जब सेटिंग के ऊपर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे अकाउंट इंफॉर्मेशन के ऊपर ये क्लिक हो जाता है। तो आपको यहाँ पे साइट देख लेना है, साइट के ऊपर यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपको देख रहे हैं हमारा साइट यहाँ पे वेरीफाई है। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे करना क्या होगा कि यहाँ पे अपने यानी साइट को ऐड करना होगा। तो हमारा साइट यहाँ पे ये है, यानी blogpost.com वाला ही हमारा साइट है। तो सिंपल अब यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं। कॉपी कर लेने के बाद आपको यहाँ पे ये प्लस का आइकन है, इसके ऊपर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे www नहीं देना है हमें, ठीक है, www यहाँ पे नहीं देना है। तो सिंपल है, हम यहाँ पे इसे ऐड साइट के ऊपर क्लिक करके ऐड कर देंगे। यहाँ पे देख सकते हैं ऐड हो चुका है। और यहाँ पे अगर अनटिक नहीं रहता है तो अनटिक यानी टिक कर देना है, ठीक है, ये हमारा वेरीफाई हो चुका। अब हम इसमें से एडसेंस अकाउंट से कोई भी ऐड यूनिट हम लेके अभी लगा के दिखाते हैं अपने ब्लॉग पे, वो वहां पे दिखेगा। सिंपल हम ऐड यूनिट के ऊपर क्लिक करते हैं, यहाँ पे ऑटो ऐड दिख रहा है तो हमें यहाँ पे मैनुअली पे जाना है, मैनुअल पे जाना है, ठीक है। यहाँ पे हम ऐड के ऊपर क्लिक कर लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं हमारा कोड पहले से यहाँ पे जनरेट किया हुआ है, आपका भी होगा अगर आपका एडसेंस अकाउंट अप्रूव्ड होगा तो। तो हम लोग यहाँ पे गेट कोड कर लेते हैं, ठीक है। गेट कोड करने के बाद हमारे सामने यहाँ पे एड यूनिट जनरेट हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमारे डोमेन का भी हो सकता है कि नाम हो, तो यहाँ पर डोमेन का नाम नहीं रहता है यहाँ पे शायद, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पे कोड को कॉपी कर लिया। अब हमने जो नया जो ब्लॉग यहाँ पे बनाया है, ठीक है, इसको मैं अभी फिलहाल यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ और मैं आपको यहाँ पे लाइव दिखा देता हूँ कि यहाँ पर कुछ नहीं आपको मिलेगा, कुछ नहीं है, एक भी पोस्ट नहीं है, कुछ है ही नहीं, ठीक है। और हमारे पास जो एडसेंस अकाउंट वेबसाइट के द्वारा जो अप्रूवल किया हुआ है, तो सिंपल हमने उसके अभी एड यूनिट जनरेट किया यानी कॉपी किया। अब सीधा सीधी अपने लेआउट में जाना है और हमें कुछ नहीं करना है अब, ठीक है। और यहाँ पे देखिएगा तुरंत या 2 मिनट या 3 मिनट, कभी कभी कोड एक्टिव होने में वेबसाइट को समझने में भी टाइम लग जाता है, तो घबराना नहीं है, ऐड तो दिखना ही दिखना है। तो यहाँ पे हम एक गैजेट को क्रिएट करते हैं और HTML गैजेट यहाँ पे हम लोग क्रिएट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे प्लस के आइकन को क्लिक करने के बाद और यहाँ पे हम इस कोड को प्लेस करेंगे। सिंपल है, हम यहाँ पे सेव कर देंगे, सेव कर दिया और एक ले लेते हैं। तो आपको घबराना नहीं है, ठीक है, और अपना इसमें भी आपको पॉलिसी को उसको ध्यान में रख के यहाँ पे काम करना होगा। ऐसा नहीं कि कहीं से भी कॉपीराइट कंटेंट को आप लोग ये कर लीजिए, तो ऐसा कुछ नहीं करना है, ठीक है। सिंपल यहाँ पे पेस्ट करके इसको भी हम लोग सेव कर देते हैं और सेव अरेंजमेंट कर देते हैं। कोड हमने लगा लिया और यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ
कि इसको मैं पहले क्लोज कर देता हूँ और मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये हमारा दुनिया का इतिहास यहाँ पे जो देख रहे हैं नन हास्टेड है, इसी से हमने अभी कॉपी किया था कोड को और अभी हम इसे व्यू ब्लॉक करते हैं। ठीक है, पहले वाला में हमारा यहाँ पे ऐड नहीं दिख रहा है, अब हम इसे व्यू ब्लॉक करते हैं और यहाँ पे अभी देखते हैं, देखिए ऐड आ चुका है। तो इसी तरह से दोस्तों आप लोग भी आसानी के साथ यहाँ पे लगा सकते हैं, बिना कोई पोस्ट किए ही ऐड हम लगा दिए और इसी तरह से यही खासियत है दोस्तों वेबसाइट के, वेबसाइट से अप्रूवल मिल जाता है तो इसीलिए हर लोग चाहता है कि हमको वेबसाइट के ऊपर अप्रूवल मिल जाए और ज्यादा से ज्यादा हम लोग इस तरह से अर्निंग कर सकते हैं। बस सिंपल सा प्रोसेस था, हमें यहाँ पे सेटिंग में जाना था, सेटिंग में जाने के बाद दुनिया का कोई भी डोमेन को यहाँ पे आप माई साइट के ऊपर क्लिक करके, यानी कहने का मतलब है कि होम पे रहता है, सेटिंग के ऊपर क्लिक करके माई साइट के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे अपना डोमेन को सिर्फ प्लस कर देना है। जैसे ही आप लोग प्लस कर दीजिएगा तो सारे वेबसाइट यानी जितना भी आप डोमेन ऐड करना चाहते हैं, ठीक है, जितना भी डोमेन ऐड करना चाहते हैं कर सकते हैं और यहाँ पे सबको आपको ऐड यहाँ पे अभी देखिए नहीं है ना, इसमें इसको अभी रिफ्रेश करेंगे इसमें भी आ जाएगा ऐड। क्यों? क्योंकि ये जो है हमारा, हमने जो इसे परमिशन लिया है तो इस एडसेंस अकाउंट से लिया है जो नन हॉस्टेड एडसेंस अकाउंट है। मैं बार बार चीख चीख के कहता हूँ कि भाई एडसेंस जो है गूगल एडसेंस अगर वेबसाइट के ऊपर अप्रूवल मिल जाता है तो आपको कमाने का बहुत सोर्स हमें मिलता है। देखिए दोस्तों होता क्या है कि अगर मान लीजिए कोई ऐसा आदमी है जिसको एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिल पा रहा है तो आप उससे पार्टनरशिप भी कर सकते हैं, बोलिएगा कि जो भी कमाई होगा हम लोग 50-50 बांटेंगे, तो चलो हम अपना तुमको एडसेंस अकाउंट का कोड देते हैं अपने वेबसाइट में लगाओ। तो इसी तरह से दोस्तों हम लोग अर्निंग कर सकते हैं, बहुत ज्यादा कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, हमने आपको बता दिया कि किस तरह से blogpost.com के ऊपर भी आप ऐड दिखा सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और इसी तरह का वीडियो देखना चाहते हैं दोस्तों तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।